बिहार में मॉनसून के आते ही लगातार एक के बाद एक पुल गिर रहे हैं। बिहार में पिछले 15 दिनों में कम से कम 12 पुल ढह गए हैं, जिसकी वजह से नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और रखरखाव को लेकर विपक्ष की कड़ी आलोचना का सामना कर रही है। वहीं पुल गिरने के बाद नीतीश कुमार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बिहार में पुल पुलिया गिरने का सिलसिला आज भी लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में करीब बिहार में 6 पुल जो है वो गिर गए हैं और पिछले 12 से 15 दिन की बात की जाए तो बिहार में करीब 12 पुल जो है वो गिर गए। ऐसे में सारण एक ऐसा ज़िला है जहां पर सबसे ज़्यादा पुल जो है वो गिरे हैं। अब ऐसे में कहा जा सकता है कि सरकार की फजीहत जो है उन्हीं है वो तय हो गई है। लगातार सरकार जो है वो कह रही है कि इसको लेकर SOP बनाई जा रही है, इसको लेकर एक नई कमेटी बनाई जा रही है, लेकिन आए दिन बिहार में जब से मानसून अलर्ट हुआ है उसके बाद से लगातार पुल पुलिये जो है वो गिरते नजर आ रहे हैं। चाहे वो बिहार का सारण हो, बिहार का सिवान हो, बिहार का कह सकते हैं मधुबनी हो या फिर अन्य ज़िले हो, तमाम जगहों से ऐसी ही तस्वीरें नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर सारण की बात की जाए तो पिछले 24 घंटों के अंदर 3 पुल पुलिये जो हैं वो गिर गए। अब ऐसे में सवाल जो है वो सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग पर ज़रूर उठ रहा है। लगातार दोनों तरफ आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष ये कह रही है कि जो विपक्ष में पहले रहे हैं उनके कार्यकाल में ये पुल बना था, तो दूसरी तरफ जो विपक्ष में है वो साफ कह रहे हैं कि सरकार की गलती है। तेजस्वी यादव और लालू यादव लगातार नीतीश कुमार के कार्यकाल पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए इन पुल पुलियों के गिरने की, तो सबसे पहला घटना जो है वो कह सकते हैं अररिया में नज़र आया, उसके बाद लगातार अलग अलग जगहों पर पुल गिरते नजर आए। अगर सारण की बात की जाए तो गंडकीय नदी पर 3 पुल जो है वो गिर गए। ऐसे में बताया जा रहा है स्थानीय लोगों के द्वारा कि वहाँ पर मिट्टी के कटाव की वजह से जो पिलर है वो धस गया। कई जगहों पर ऐसी ही तस्वीरें नज़र आई हैं और खासकर बिहार का सारण एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पुल गिरे हैं। अब ऐसे में आनन फानन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बैठक बुलाई जहां पर बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारी और इसके अलावा बिहार के पथ निर्माण विभाग के अधिकारी मौजूद रहे और तमाम लोगों ने मिलकर एक SOP बनाने की बात की और तमाम जगहों पर जो पुल पुलिये गिरे हैं उनमें करीब 3 अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यन कुमार के साथ उत्कर्ष न्यूज़ नेशन पटना।